हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मार्च महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। ऑफिशियल डे कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद साथ में हम लोग आज उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, आज फुटबॉल से रिलेटेड अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दे, फिर से हम रिपीट कर दे कि हम लोग सीयूटी जो 2023 में आयोजन होने वाला है ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, उसकी प्रिपरेशन की एक सीरीज चला रहे हैं। यूट्यूब के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहा है, उसी सीरीज में आज ये तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट डे इन द मंथ ऑफ द मार्च, है ना, ठीक है। उसके बाद है बुक्स एंड ऑर्थर, और तीसरा बात है इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट रिलेटेड टू फुटबॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि पर डे एक ना एक वीडियो हमारा इस पर डाला जाता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, जरूरतमंदों को यह शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट डे, है ना, इम्पॉर्टेंट डे इन द मंथ ऑफ द मार्च, मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो मार्च महीने में हमें थोड़ा सा ज्यादा है ना, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। पहला इम्पोर्टेंट डे है 1 मार्च को। 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट डे है 1 मार्च, है ना। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे बनाया जाता है, ठीक है। 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, सिविल डिफेंस डे, यानी आपको सेना से जुड़ा एक डे होता है, सिविल डिफेंस डे जो है 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जस्ट 2 दिन के बाद 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, है ना, ठीक है। और उसी 3 मार्च को एक और चीज बनाया जाता है, वर्ल्ड हेयरिंग डे भी बनाया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व महिला दिवस, है ना, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। और 8 ही मार्च को हम लोग वर्ल्ड किडनी डे भी मनाते हैं, ठीक है। किडनी जो होता है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी एक होता है, वो किडनी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कब, 8 मार्च को। 12 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉमनवेल्थ डे, जो गेम होता है कॉमनवेल्थ गेम, है ना, उससे जुड़ा कॉमनवेल्थ डे जो है हम लोग 12 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, है ना, कंज्यूमर्स का राइट को से रिलेटेड डे मनाया जाता है, जिस डेट इज कॉल्ड द कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। और 16 मार्च को हम लोग मनाते हैं विमेन्स स्लिप, सॉरी वर्ल्ड स्लिप डे, कौन सा, वर्ल्ड स्लिप डे, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहे हैं, और उसके आगे भी पहले देख लेते हैं, फिर से हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिर 20 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ द हैप्पीनेस, है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ द हैप्पीनेस जो है वो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 20 ही मार्च को हम लोग वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड स्पैरो जो बर्ड होता है ना उससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, 21 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट मनाते हैं, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसी 21 मार्च को हम लोग वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बनाते हैं, हम लोग वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 21 मार्च को हम लोग और क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पोएट्री डे मनाते हैं, वर्ल्ड पोएट्री डे हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को 3 चीजें सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी 3 चीजें बाबू, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, ठीक है, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है और वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, आइए हम लोग 22 मार्च का देखते हैं। तो 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चों वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 22 मार्च को। 23 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, है ना, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, 24 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ट्यूब्रोक्लोसिस, मतलब टीबी, टीबी है ना, ट्यूब्रोक्लोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है, ट्यूब्रोक्लोसिस बोला जाता है, डे मनाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे, ये थोड़ा सा 2 स्लाइड इसमें हो गया क्योंकि ज्यादा था मार्च महीने में। देखिए, 1 मार्च को क्या था, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 मार्च को क्या था, 1 मार्च को था बच्चों हमारा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
3 मार्च को दो चीज मनाया जाता है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे, 8 मार्च को भी दो चीज मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे और वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, ठीक है। 12 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब, 12 मार्च को। 15 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, है ना, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 16 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड स्लीप डे, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या था उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग 20 मार्च को दो चीज सेलिब्रेट करते हैं, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द हैप्पीनेस, है ना, ठीक है, और वर्ल्ड स्पैरो डे, है ना, ठीक है, ये मनाया जाता है। 21 मार्च को हम लोग तीन चीज सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम्स डे और वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है। 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, है ना, और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबोक्लोसिस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ जरूरी जो मार्च महीने में जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब आगे के स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है आपका बुक्स और इसके ऑथर के बारे में, इंडियन ऑथर एंड देयर बुक्स, है भारतीय लेखक और उनकी किताबें, है ना, ठीक है। आइए हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय ऑथर में कौन कौन आएंगे, पहला के आर मलकानी ने लिखा था एक बुक जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट, है ना, के आर मलकानी का लिखा हुआ बुक क्या है, इंडिया फर्स्ट, है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कालिदास की ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें फेमस रचना कौन कौन है एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है मेघदूत, कालिदास की पहली फेमस रचना कौन सा है, मेघदूत, है ना। दूसरा है कुमार संभवा, है ना, दूसरी रचना क्या है, कुमार संभवा, है ना, ठीक है। तीसरा जो बुक है उसका नाम है संप्रवाय वाद्यता, जो है तीसरी किताब है। चौथी किताब का नाम क्या है हमारा, चौथी किताब का नाम है मालविका गणमित्रम, है ना, मालविका गणमित्रम, है ना, ठीक है, ये है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखा है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ रचना कौन सा है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य दो बार छप गया, कोई दिक्कत नहीं है। एल के अडवाणी की बात करें, है ना, तो लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखा है माई लाइफ माई नेशन माई लाइफ, है ना, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी की रचना है माई लाइफ माई नेशन माई लाइफ, है, ठीक है। लाला लाजपत राय का जो रचना है बुक है उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, है ना, लाला लाजपत राय का जो लिखा उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो लिखा हुआ है माई एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, है ना, ठीक है। तो ये आपके हैं, ठीक है, क्लियर है, ये कुछ रचनाओं के बारे में, कुछ बुक्स और उसके ऑथर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग तीसरे स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फेमस टूर्नामेंट, है ना, की बात करेंगे हम लोग, तो फेमस टूर्नामेंट अगर आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से टूर्नामेंट से रिलेटेड, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फुटबॉल से जुड़ा सबसे फेमस टूर्नामेंट, है ना, ठीक है। पहला है जो बंदोदकर ट्रॉफी, है ना, बंदोदकर ट्रॉफी, ठीक है, ठीक है, पहला कौन सा है, फुटबॉल का बंदोदकर ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फेडरेशन कप, है ना, कॉन्फेडरेशन कप, है ना, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है आपका डीसीएम ट्रॉफी, तीसरा कौन सा है बच्चों, डीसीएम ट्रॉफी। चौथा जो है आपका डुरांड कप, कौन सा कप है, डुरांड कप। पांचवा जो है फीफा वर्ल्ड कप, ये तो सब लोग जानते हैं, पांचवा हमारा कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप, है ना, ठीक है। छठा जो है जूल्स रिमत ट्रॉफी, जूल्स रिमत ट्रॉफी, है ना। पांचवा जो है ईफा सिल्ड, है ना, ईफा सिल्ड नाम का ट्रॉफी होता है। फिर क्या है, फिर अगला है आपका कलिंगा कप, कौन सा कप, कलिंगा कप, है ना, ठीक है। तीसरा जो है मार्डेका कप, है ना, मार्डेका कप, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रोवर्स कप, है ना, कौन सा है आपका, नेक्स्ट रोवर्स कप, है ना, ठीक है। फिर है आपका संतोष ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, है ना, सीजर कप, है ना, कौन सा है, सीजर कप, है ना, ठीक है। उसके बाद है सुब्रोतो कप, कौन सा है आपका, सुब्रोतो कप, ठीक है। फिर है टोड मेमोरियल ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी और विट्टल ट्रॉफी, है ना, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे, फुटबॉल से जुड़ा हुआ जो टूर्नामेंट है अलग अलग, उनके नाम क्या क्या है एक बार हम लोग फिर से पढ़ लें। पहला आपका नाम है बंदोदकर ट्रॉफी, पहला कौन सा है, बंदोदकर ट्रॉफी। दूसरा कौन सा है, कॉन्फेडरेशन कप, कौन सा, कॉन्फेडरेशन कप। तीसरा कौन सा है,
डीसीएम ट्रॉफी, तीसरा कौन सा डीसीएम ट्रॉफी, चौथा डुरांड कप, कौन सा डुरांड कप, पांचवा फीफा वर्ल्ड कप, पांचवा फीफा वर्ल्ड कप, छठा जूल्स रिमट ट्रॉफी, जूल्स रिमट ट्रॉफी, छठा आईफा शील्ड है ना, आईफा शील्ड है ना, ठीक है, ईफा शील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिर कलिंगा कप, फिर कौन सा कलिंगा कप है ना, ठीक है, फिर आपका मड्रिका कप, मैंने मेरडेका कप है ना, ठीक है, फिर रोवर्स कप है ना, ठीक है, फिर संतोष ट्रॉफी है ना, फिर सीजर कप है ना, सुब्रोतो कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी और विट्टल कप है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का आज का क्लास यहाँ खत्म हुआ। बाकी हम लोग अब अप्रैल महीने का और कुछ एक नया स्पोर्ट्स के बारे में और कुछ नए ऑथर को लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। चलिए थैंक यू, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।